A2 का A2 लेवल अकाउंटिंग और IAS का क्वेश्चन हम कर रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से। तो कहते हैं जी कि आपने मई जून 1932 का क्वेश्चन है, मई जून 1932। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वॉज इक्विपमेंट विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 1,40,000, द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट वॉज 132,000 एंड द वैल्यू इन यूज वॉज 136,000। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट IS 36 टेल्स अस दैट द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट शुड नॉट बी मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, यानी कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, एंड रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज कितनी है? फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है, वो 132,000 है, जबकि वैल्यू इन यूज का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कमिंग फ्रॉम द एसेट, वो 136,000 है। तो रिकवरेबल अमाउंट इसकी कितनी बनेगी? रिकवरेबल अमाउंट इसकी बनेगी 136,000, और इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 140,000। आपको पता चल गया कि कैरिंग अमाउंट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000 एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इंपेयरमेंट लॉस। Impairment of asset is the reduction in the value of carrying amount by which the carrying amount is more than the recoverable amount. The carrying amount is more than the recoverable amount by 4,000. 4,000 आप non-current asset में से minus भी कर देंगे और साथ में retained earnings में से भी आप minus कर देंगे. Retained earnings for the year was 184,000. This is after deducting a proposed final dividend of 12,000. मेरे बेटा IS-1 ये कहता है या IS-10 ये कहता है, which is known as adjusting event. That if this is a non-adjusting event because evidence of condition does not exist at the balance sheet date because it is not yet approved by the shareholders in the annual general meeting, previous year dividend will be paid in the current year and this year dividend which is proposed will be paid in the next year. This is not supposed to be, this should come as a footnote to the accounts, footnote to the balance sheet. ये आप minus आपने नहीं करना था actually retained earnings में से, क्योंकि आपने minus कर दिया तो आपको वापस उसको एड बैक करना पड़ेगा 12,000 को। The director has budgeted to incur 25,000 advertising in 2019. A provision was made for this expenditure. Director ने budgeted किया था provision. ये जो provision is created for the expected future where outflow of cash is probable. यहाँ पर कोई probable नजर नहीं आ रहा। Provision is a liability for uncertain time and amount. ये 25,000 की provision advertising की हम नहीं बनाएंगे क्योंकि 2019 में advertising होनी है। अभी उसका फिलहाल इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी जो क्या कहते हैं आप कि इट्स नॉट ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेयर वी बिलीव दैट आउटफ्लो ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट आइदर इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी और नॉट, द प्रोविजन शुड नॉट बी क्रिएटेड। तो आपको प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग वापस एड बैक करनी पड़ेगी और प्रीमियम शामिल नहीं की जाएगी। एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, बेनिफिट ऑडिटिंग एक जो है वो हमारा क्या हो सकता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, इट इज मोर रिलायबल, इट बिकम्स मोर रिलायबल, इट बिकम्स मोर रेलिवेंट एंड इट बिकम्स कंपेरेबल ऑल्सो। एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स the appropriation accounting treatment of item 1 2 and 3 making relevant reference to the relevant international accounting standards, wo maine already aapko bata di sara ki pehla IAS 36 ke hisab se hoga, dusra jo hai wo IAS adjusting event hai aapka non adjusting event hai IAS 10 ke hawale se, aur teesra IAS 37 hai, isme aap provision will not be created because this is not a present obligation which is going to be where outflow of economic resources expected to be in the future. So, ye bhi hum use nahi karenge. The following information is also available. A deposit of 3,000 had been paid to a supplier of goods to be delivered in April. This amount had been recorded as purchases. Aapke paas deposit tha, jo ki aapne pay kiya tha suppliers ko advance mein. So basically, aapka other receivable ban jayega na, asset ban jayega. Toh prepaid expense ho gaya. आपने परचेजेस में ऐड कर दिया, परचेजेस में ऐड कर दिया तो एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा आपको रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए। गुड्स कॉस्टिंग 5,400 विद अ सेल वैल्यू ऑफ 7,000 वाज सेंट टू कस्टमर ऑन अ सेल्स और रिटर्न बेसिस
The debtor has recorded 7,000 as a sale. At 31st December, the customer had not decided whether to buy the good. बेटा सेल्स और रिटर्न बेसिस को हम सेल्स और रिटर्न बेसिस को हम सेल्स कंसीडर नहीं करते, उसकी आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। और सेल्स और रिटर्न बेसिस की बेटा एंट्रीज क्या होती है हमारी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक एंट्री करेंगे आप सेल्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ सेल्स व्हिच इज ओवर हियर 7,000 एंट्री आप पास करेंगे कि जो इन्वेंट्री आपने कहा है कि सेल हो गई है वो भी एक्चुअली सेल नहीं हुई, उसको भी रिवर्स फैक्ट करेंगे व्हिच इज क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपकी क्या आ जाएगी 5400 से। ठीक है जी, अब आपने क्या बनाना है जी, आपने प्रोडक्टिव प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर आप देखें तो रिटेन्ड अर्निंग्स को रिवाइज हम कर लेते हैं। अर्निंग्स देखते हैं हमें कितने की दी हुई है, अर्निंग्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में 184,000। क्या करेंगे जी इसमें आप एक तो ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि आप इसमें से माइनस कर दिया विच इज नॉट सपोज टू बी डिडक्टेड, वो आप वापस जो है वो ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड जो कि आपका है कितने का 12,000 का। एड बैक हो जाएगा, आपने माइनस कर दिया क्योंकि माइनस नहीं करना था प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट। फिर इंपेयरमेंट ऑफ लॉस, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट हुई है आपकी, वो आप लेस कर देंगे। इंपेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट वो आपकी हुई है 4,000 से, और 4,000 से इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। फिर उसके बाद ये डायरेक्टर हैज बजटेड, उसने 25,000 की प्रवीन बनाई हुई थी, बना ली थी, प्रवीन वाज मेड फॉर दिस फंड, बना ली गई थी, वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। 25,000 से आप ऐड कर देंगे प्रवीन, किस चीज की प्रवीन थी ये, एडवर्टाइजिंग है, बना देंगे, ये आपकी आ जाएगी थी 25,000 से वापस आप ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद अगर आप देखें क्योंकि आप माइनस कर चुके हैं पहले, नीचे देखिए अगर आप डिपॉजिट ऑफ 3,000 हैव बीन पेड टू सप्लायर, दिस अमाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेजेस, आपने एक्सपेंसेस में लिख लिया था यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को आपने कम कर लिया था, तो आपको वापस इसमें क्या करना पड़ेगा एड डिपॉजिट्स, आपने माइनस कर दिया था आपको एड बैक करना पड़ेगा, वापस एड करना पड़ेगा। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग सेल्स और रिटर्न बेसिस है, बेटा इसको देखिए एंट्री से हम सिंपल सा कर लेंगे। देखिए एंट्री में सेल्स डेबिट हो रही है तो इस सारी बात प्रॉफिट पे सिर्फ इसका इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट में एक्टिव एंट्री में कोई भी चीज अगर डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सेल्स और रिटर्न बेसिस, समझा भी देता हूँ कितना आ जाएगा 7,000। बेटा सेल्स आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी थी ना, सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट 7,000 से ज्यादा शो हो रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कम शो की थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको एड बैक करनी पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने आपको एड बैक करनी पड़ेगी क्योंकि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री 5400 से माइनस कर दी हुई है। 5400 आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा शो हो रही थी, प्रॉफिट कम शो हो रहा था आपका, इसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम थी, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई थी, प्रॉफिट कम हो गया था, इसकी वजह से आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं तो आपका करेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। इसका निकालना जरा क्या आता है जी, सर 218400 218400 ये आपका करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। आगे कहता है क्वेश्चन में, कहता है कैलकुलेट द करेक्टेड फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स फॉर इंक्लूजन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने इन सब आइटम्स की करेक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। पहले उसने कहा आपने निकालनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, देखिए कल के पेपर में क्वेश्चंस जो है वो आपको कल के पेपर में डिफरेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज पेपर देता है, वो कोई ना कोई नई चीज वो पेपर में दे रहा है। अगर हम पिछले एक साल का पेपर देखें तो एएस में भी दे रहे हैं, क्योंकि फरवरी मार्च का जो वेरिएंट मैंने भेजा था सनी ने आपको, आपने करके तो नहीं दिया अभी तक, उसमें भी चेंजेस हैं कुछ। और इसी तरह कंपनी के सवाल में चेंजेस आया है पिछले, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इतना नहीं चेंज आएगा, कंपनी इतना रेलिवेंट इस पेपर में ज्यादा नहीं है हमारा। तो पहला सवाल मैंने पैदा सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप का आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाए, और दूसरा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन या कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन में से आना है। रेशो का सवाल मस्ट पेपर में आएगा, उसकी आपको थ्योरी भी साथ साथ आनी चाहिए, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की थ्योरी और छोटा सा पार्ट उसका बन के आ सकता है पेपर के अंदर इस दफा। और मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल मैंने आपको बता दी है, अब्सॉर्प्शन मार्जिन मिक्स करके भी आता है तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, या आप इसको बिल्कुल रेडिकेट नहीं कर सकते, मिक्स करके छोटा मोटा पॉइंट वो मिक्स करके दे देता है। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ था हमें 682,000 का, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4,000, कौन सा भला इंपेयरमेंट का जो लॉस है, तो ये आपका 678,000 का बन जाएगा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। उसके बाद दूसरे में इन्वेंट्री देखते हैं, तो इन्वेंट्री बेटा इन्वेंट्री बेसिकली आपको क्या करनी है, इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है, इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, बढ़ गई है ना, आपने माइनस कर दी हुई थी इन्वेंट्री में से वो अमाउंट जो कि असल में सेल नहीं हुई थी, इट हैज नॉट येट बीन सोल्ड आउट, यू हैव सब्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम इन्वेंट्री, आपको वापस उसको एड बैक करना पड़ेगा 94,200 प्लस कर देंगे 5,400, आपकी इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आ रही है आपने ज्यादा शामिल कर दी हुई है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में ऐड कर दी हुई 7,000 की सेल्स, वो आपको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करनी पड़ेगी 87,400 माइनस 7,000, ये आपका रहेगा 80,400। अब ये नहीं कह सकते कि आईएएस पढ़ने के बाद, आईएएस अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो आईएएस का सवाल जो है वो आप पेपर में टैप नहीं कर सकते। हाँ, कोई आधी गलती आपसे हो जाती है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, दैट इज दैट मेक सेंस, कोई इतना मसले वाली बात नहीं। अदर रिसीवेबल्स आपके आ जाएंगे, तो वो 3,000 का जो डिपॉजिट है ना वो आपको एड बैक करना पड़ेगा, अदर रिसीवेबल 9,430 के दिए में आप 3,000 का डिपॉजिट जो है वो ऐड कर देंगे। ये थ्योरी जो मैंने भेजी है इसमें बहुत सारी थ्योरी ऐसी भी है जो कि रिलेवेंट नहीं है, मतलब जिसकी जरूरत आपको नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या फिर जो आप थ्योरी तैयार करने बैठेंगे उससे आप पूछ भी सकते हैं, तब मैं बता सकता हूँ कि ये चैप्टर जरूरी है या इसको तैयार करना जरूरी है या नहीं है, तो मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं आपसे। तो मैंने थ्योरी आपको भेजी है, इन सब का टोटल कर लेंगे, आपके पास टोटल एसेट्स जो है वो आ जाएंगे, टोटल कीजिएगा कितना आ रहा है यार, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो एज इट इज रहने हैं, वो मैंने लिखे नहीं, टोटल करने कितना आ रहा है, जी सर 8,916,000। शेयर होल्डर्स क्वेरीड दैट द फाइनल डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर वाज टू लो, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड इंक्रीज द प्रपोज्ड डिविडेंड, जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ योर एडवाइस फॉर बोथ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। अगर फाइनल डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर वाज टू लो हम कंसीडर करते हैं, तो दे कैन इंक्रीज द डिविडेंड बिकॉज द शेयर होल्डर्स विल गेट मोर डिविडेंड ऑन देयर शेयर्स ऑब्वियसली, ठीक है, बट इट डिपेंड्स
सबसे पहले कि आइदर द कंपनी इज हैविंग एनफ प्रॉफिट अवेलेबल टू पे डिविडेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके पास है या नहीं, आइदर कंपनी हैज कैश रिसोर्सेज टू पे डिविडेंड. शेयर होल्डर को बेनिफिट क्या होगा, दे विल, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट उनको ज्यादा डिविडेंड वसूल मिलेगा उनको शेयर्स पर. फिर ये कि पीपल विल अट्रैक्ट, मोर शेयर होल्डर्स विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द बिजनेस इफ दे आर गेटिंग फाइनल डिविडेंड हम हाई कर रहे हैं. पीपल इन्वेस्ट करना चाहेंगे फॉर देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे विल गेट हाई रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. ये चीजें लिखकर आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं आसानी के साथ. अगला क्वेश्चन भी आईएएस का है जो कि आया हुआ पेपर के अंदर, कब, अक्टूबर नवंबर 1933 में. और ये हमें कहते हैं जी कि एक्सप्लेन द टर्म स्टीवर्डशिप. स्टीवर्डशिप इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स विच इज शेयर होल्डर्स टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, टू मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट, उसे स्टीवर्डशिप कहते हैं. एक्सप्लेन द नीड फॉर एन ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी. Every limited company is required by the Companies Act 1984 that they are required to be audited so that the company should disclose the true and fair view of the business. There should be an independent examination of the books of accounts by an auditor who will give his express his opinion on the financial position of the company. The requirement by law hai ki aapko company ko audit karwana padta hai. M Public Limited Company has been trading for many years. The director of M Public Limited Company have agreed that the interim dividend will be based on the profit for 6 months ended 31st May. A draft set of financial position for the 6 months ended 31st May has been prepared and audited. The following information is available for the 6 months. Revenue diya hai, cost of goods sold di hui hai, share capital diya hai, distribution cost hai, admin cost hai, cash and cash equivalent or finance charges. And during the audit, the following was discovered. Included within revenue was a sales invoice for 2000 for goods sent to a cost customer on a sales return basis. The markup on goods was 33.33%. The customer has yet to decide whether or not to keep the goods. So, ये भी वही है कि goods जो है वो आपने sales return basis पे है तो उसकी entry आप क्या pass करेंगे? एक 2000 से entry होगी sales to trade receivable. जो आप sales की entry pass करेंगे sales to trade receivable और दूसरी entry आपकी होगी closing inventory to cost of sales जो आप पास करेंगे. बेटा ये एंट्री जो पहली एंट्री है सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल की, ये आप पास करेंगे 2000 से, बिकॉज़ इतनी आपने चीजें बेची थी असल में बिकी नहीं थी, आपने तब एंट्री पास कर दी थी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल. अब उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल. अब क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट प्राइस से जो दिया हुआ मार्कअप, तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये जब निकालेंगे आप, ये जो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 500 का, ये आप माइनस कर देंगे उसकी सेल प्राइस में से, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी गुड्स की विच इज 1500 और उसी एंट्री पास होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. आप पास कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 1500 से. ऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री हैव बीन वैल्यूड एट कॉस्ट, हाउएवर इट वाज डिस्कवर्ड दैट गुड्स विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4200 हैज बीन डैमेज एंड नाउ हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3500. The replacement value of the inventory was 4400. Beta, you are not concerned with the replacement value of the inventory. You are only concerned with the cost or NRV, whichever is less. So IAS 2 is baare mein batata hai that market cost and NRV, whichever is less, should be recorded in the books of accounts. Inventory aapki yahan par show ho rahi hai zyada. Kitne se beta? 700 se. 700 se aapki NRV kam hai. आपको 700 से एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको अपनी इन्वेंट्री को डिक्रीज करना पड़ेगा. यू विल पास द एंट्री सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नीड टू बी डिक्रीज्ड बाय 700 बिकॉज़ इट हैज बिकम ऑब्सोलीट, इट हैज बिकम डैमेज. हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स का आपने निकालना है जी. अब कैसे रिटेन अर्निंग्स को हम फाइंड करते हैं? Prepare the revised income statement for the 6 months. बेटा रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, हम इसको दोबारा से बना लेते हैं, रिवाइज इनकम स्टेटमेंट डेवलप कर लेते हैं. सेल्स से स्टार्ट करते हैं हम. सेल्स में आप देख रहे हैं कि 2000 आपको सेल्स में से सेल्स डेबिट हो रही है, बेटा सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा. सेल्स 320000 की है, उसमें से 2000 में माइनस कर दूंगा 2000, सेल्स आपके आ जाएंगे 318000.
इसे लेस कर देंगे दी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आप देखें तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स के अमाउंट को बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा काफी हद तक, 143,000 आपको दी हुई है, उसमें से आपको पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हो रही 1500 माइनस करेंगे आप इसमें से, और फिर आप प्लस कर देंगे इसमें कितना 700 ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है ना 1500 से, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, एक्सपेंस है ना बेसिकली, क्रेडिट होता तो डिक्रीज करेगा, माइनस 1500 और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ानी है आपने 700 से, क्योंकि आपने गलत क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा माइनस कर दी हुई थी, वो कम थी असल में, तो माइनस प्लस कर देंगे इसमें आप, हमें आपका आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। माइनस कर देते हैं 318,000 में से, तो 175,800 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, हम इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वो आ जाएंगे, उसमें पैसे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, तब मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करता। देख लेते हैं कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए जी आपको 35,100 और एडमिन है आपके 60,100 ख्याल है, 35,100 और 60,100 टोटल करने से कितना आता है जी बताइएगा जरा, विश्वास 95,200 माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आता है ना उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये फॉर्मेट है कंपनी के सवाल में, आपको ये फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा जी। कितना आ जाता है ये 80,600, इसमें से लेस कर देंगे हम फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, की बात है वो आपको दी हुई है 16,600 की, 600 ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा, आ रहा है 64,000। ये नहीं आप कह सकते कि आईएएस जो है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है या वो है, कुछ आईएएस जो बार बार रिपीट होते हैं उनकी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, एडजस्टिंग इवेंट की थ्योरी याद होनी चाहिए क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट की डेफिनेशन, ठीक है जी, इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन आईएएस 38 है उसके अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो क्या होती है, उसके बाद प्रोविजन की डेफिनेशन, कॉन्टिंजेंट रिजर्व की डेफिनेशन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, सिंपल याद करनी है, आपने लिखी हुई है, मैंने आपको नोट्स भी जस्ट लिखी हुई है और भी बुक्स में लिखी हुई, लेकिन मैंने इसलिए भेज दी आपको कि आप में माशाल्लाह बच्चे लाइक है, तो मैंने कहा कि प्रॉपर तरीके से तैयार करने वो ज्यादा बेहतर है। ड्यू टू ए प्रीवियस पुअर शेयर होल्डर रिटर्न, डायरेक्टर्स वांट टू मेक द मैक्सिमम रिटर्न दे कैन टू द शेयर होल्डर, दे आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस, डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि मैक्सिमम रिटर्न देना चाह रहे हैं, पे डिविडेंड 75% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स, 75% प्रॉफिट का निकालते हैं वो डिविडेंड को देना चाह रहे हैं, तो निकालें 64,000 ही है ना, 48,000 का डिविडेंड हम देना चाह रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और अगर हम देखें तो कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर कितना निकलेगा आपका, नंबर ऑफ शेयर्स हम देखते हैं कितने दिए हैं पीछे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको 4 लाख अमाउंट है, 1.5 का डिवाइड कर देंगे आप 48,000 को,
डिवाइड कर देंगे आप कितने से नंबर ऑफ शेयर से, जो कि कितने हैं आ जाएगा आपके पास 0.06 पर शेयर जो डिविडेंड हम पे कर सकते हैं। इतना आपके पास 64,000 से 75% देना चाह रहे हैं डिविडेंड के तौर पे। और अगर हम डिस्कस द इंप्लीकेशन फॉर द बिजनेस ऑफ ईच ऑप्शन द डायरेक्टर शुड कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग व्हिच ऑप्शन टू चूज सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट कैलकुलेशंस। ठीक है जी, अगर आप गौर करें सवाल में तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे बेटा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, मेक ए बोनस शेयर ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 करंटली हैंड, 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, ये 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अमाउंट आपकी आ जाएगी 40,000। का आप बोनस शेयर भी इशू कर सकते हैं और आप 0.06 पर शेयर डिविडेंड भी दे सकते हैं। इसमें से आपने एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इंप्लीकेशन पूछ रखा है ईच ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो आप बता देंगे डिविडेंड अगर आप देते हैं, बोनस शेयर आप इशू करते हैं तो आप ऑब्वियसली कैश रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है जी, आपको कैश लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कैश की फिगर्स देखें क्वेश्चन में, तो आपके पास 45,200 कैश फिगर मौजूद है, तो आप 48,000 का डिविडेंड पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी 45,200 की, जबकि बोनस शेयर आप 40,000 आप इशू कर सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉफिट भी अवेलेबल है, आपके पास रिजर्व भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिजर्व होना बहुत जरूरी है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर 0.55 इस वक्त आपकी चल रही है। अगर आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू शेयर की प्राइस जो है वो डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शेयर की प्राइस 0.5 पर मौजूद है, 0.5 है। तो बोनस शेयर इशू करने से आपकी प्राइस मार्केट वैल्यू शेयर की डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि जो आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सपोज करते हैं कंपनी के पास कैश रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो मैक्सिमम डिविडेंड आप पे कर सकते हैं दैट इज नॉट 48,000, बिकॉज कैश रिसोर्सेज जो अवेलेबल नहीं है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 45,200 डिवाइडेड बाय 8 लाख आता है जी। Profit available to pay dividend is 48,000, but the cash availability will not be to that extent. So 45,200 divided by 8 lakh se karenge to 0.0565 per share dividend aap pay kar sakte hain, other dividend aap pay nahi kar sakte because aapke paas cash resources available nahi hai, aapke paas cash availability hi sirf kitne ki hai 0.0565 per share aap de sakte hain because 45,200 cash availability aapke paas is waqt hai। मैंने आपको बता दिया कि बोनस शेयर इशू आप कर सकते हैं, उससे कैश रिसोर्सेज तो आपके पास बच जाएंगे, 40,000 के शेयर भी इशू आ जाएंगे, कंपनी शेयर होल्डर्स को विल गेट डिविडेंड, दे विल गेट डिविडेंड इन द फ्यूचर इयर्स आल्सो ऑन दीज बोनस शेयर्स, बट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैन फॉल व्हिच इज ऑलरेडी नियर द फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस को ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छी हवा नहीं है आपकी, आपकी बोनस शेयर की प्राइस जो है बहुत अच्छी हाई क्रिएट कर रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको मजीद करवाए हैं आपके इस चीज के आईएएस के। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं चाहूंगा कि आप घर में करना चाहें तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका फरवरी नहीं मई जून 2032 में आया हुआ है, वो मैं आपको शो करना चाह रहा था में है शायद ये जो 21-32 यही है। दादा कंपनी के साथ मिलके आता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको जी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर टू बी ऑडिटेड
ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए गुडविल इज कंप्राइज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स। ऑन 1st जनवरी जी लिमिटेड एक्वायर्ड ए पार्टनरशिप बिजनेस एंड गुडविल वैल्यूड एट 30,000 वाज रिकॉर्डेड। द वैल्यू ऑफ द गुडविल शुड बी 24,000। तो गुडविल जो आपने है, आपको गुडविल की आपने रिकॉर्ड की है 30,000 की, जबकि वो कहता है वैल्यू गुडविल की कितनी होनी चाहिए, 31 दिसंबर शुड बी 24,000। ठीक है, तो आपको आपने जब गुडविल वैल्यू की थी 30,000 की, इसका मतलब है इस पे क्या हुई है, इस पे अमोर्टाइजेशन हुई है 6,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस भी होगा, नॉन करंट एसेट में से भी आप माइनस कर देंगे, यानी डेप्रिसिएशन हुई है गुडविल की बेसिकली। एडवर्टाइजिंग कैंपेन 2 ईयर अगर आपने सेल को बूस्ट हो गई थी वो, और सेल बूस्ट करने की वजह से 50,000 की गुडविल क्रिएट कर ली थी जो आपने रिवोल्यूशन रिजर्व में लिख ली है। बेटा ये रिवोल्यूशन रिजर्व में से माइनस कर देंगे आप 50,000, और गुडविल में से 50,000 माइनस कर देंगे, यानी बेसिकली गुडविल में से आपको गुडविल ऊपर लिखी हुई है, किधर लिखी हुई है 80,000 की, इसमें से 50,000 माइनस करेंगे और 6,000 भी माइनस करेंगे और लिखेंगे 24,000, और 50,000 रिवोल्यूशन रिजर्व में से भी माइनस कर देंगे आप, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कितने का इस वक्त 85,000 का। क्यों? क्योंकि ये बेटा इनहेरिट गुडविल है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है ना, ये बुक्स में नहीं आती, रिकॉर्ड करना ही नहीं था इसको आपने, परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 3,32,400 उसकी बुक वैल्यू थी, जबकि फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज जो है वो 29,000 और 28,600 है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप बेचते हैं इसको तो सेलिंग कॉस्ट 2,000 की भी आपको पे करनी पड़ती है। फेयर वैल्यू 29,000 माइनस 2,000 करेंगे तो आपकी आ जाएगी कितनी, 27,000। तो 28,600 जो हायर है वो आप यूज करेंगे, तो 32,400 माइनस 28,600 डिफरेंस आएगा, वो आपका क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट है, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर देंगे और नॉन करंट एसेट में से भी वो माइनस कर देंगे। इन्वेंटरी इंक्लूडेड वन प्रोडक्ट विच हैज बीन अकाउंटेड फॉर एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 40,000, द मार्कअप फॉर दिस प्रोडक्ट इज 25%। तो 40,000 का आप निकालेंगे 25/125 मार्कअप है ना, 40,000 सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड कर लिया आपने, वो आती है 8,000। 8,000 आप ज्यादा शो कर रहे हैं तो आपको 8,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में से, या क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ज्यादा शो कर दी है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो गई है, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा आपको, और अगर इन्वेंट्री दी हुई है तो उसमें से भी आपको 8,000 माइनस करना पड़ेगा। फिर जी लिमिटेड कहते हैं प्रोविजन 4% हैज बीन मेड, 4% की प्रोविजन आपने बना दी हुई है। तो बेटा पहले 4% आपको, यानी जो ऊपर ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं वो 96% पे हैं, उनको रिवर्स बैक करके डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.96 करेंगे, डिवाइड बाय 96 करेंगे तो आपकी टोटल ट्रेड रिसीवेबल जाएंगे, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे और फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे 4% की, तो वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सवाल है अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसने क्या बताया, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यूजिंग ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दी है, तो ये आपने घर में इसको शो करना है और इसको सॉल्व करना है आपने खुद क्वेश्चन को। आसान है, देखिए 25 नंबर का सवाल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए वो कहते हैं जी एडवाइस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो टू एंड फेयर व्यू डज नॉट रियली मैटर टू द कंपनी, इट मैटर्स एक्चुअली बिकॉज इट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रेलिवेंट, मोर रिलायबल, मोर कंपेरेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल। ये लिखना है आपने इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये आप चीजें जो है वो, और वो कह रहे 3 फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो टू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट विल बी डिस्क्लोज्ड एक्यूरेटली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट, और क्या कहते हैं, क्या बताना था, इट इज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स, इट इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, एंड फेयर व्यू का मतलब ये है। ठीक है जी, फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स से होगी आपकी, ये चीजें आपने इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो मैंने आपको करवा दिया आज। इसके अलावा 2 सवाल और पेपर में आए हुए हैं जो कि उसके हैं शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट के, वो भी आईएस में शामिल होता है असल में, जो कि रीसेंट पेपर में आए हुए हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर, उसका 50 सवाल